हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स सीखेंगे और पिछले क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में सीखे थे और आज हम लोग उसी नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए सीखेंगे। ठीक है, ये पेज नंबर 6 है। जैसा आप लोगों को क्लास वर्क में बताया गया था, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। राइट, राइट का मतलब लिखो। द नंबर्स, नंबर्स किसे कहते हैं? नंबर्स ये है, जैसे 27, 29, 36, 31, 28, ये सब नंबर्स है। इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स किसे कहते हैं? तो ये वर्ड है, जैसे 27, ये वर्ड्स है। तो यहाँ पे नंबर में लिखा हुआ है और इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। आपको एक एग्जाम्पल समझाया गया है, जस्ट इसको हम लोग बनाएंगे, दो चार और बना के देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 29, सो वी हैव टू राइट 29। कैन यू सी? राइट T W E N T Y 20, just put a small hyphen, 9, N I N E, very easy. What you read, that you have to write. 36, 30 spelling, T H I RTY 30 SIX 36। आई होप आप लोग पिछले वन क्लास पे सारे कुछ को स्टडी कर चुके हैं और ये बहुत ही आसान है। सारे के सारे 2 डिजिट्स के नंबर हैं, यहाँ पे सिर्फ एक 3 डिजिट्स नंबर है जो है 100। ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट हियर? 100। हाँ बच्चों, जस्ट वन थिंग दैट यू नो, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड, ये जो आप एरो देख रहे हैं, इसे होमवर्क करने के लिए कहा गया है। इस होमवर्क को आप लोग सिर्फ ये सिलेक्टेड वन को होमवर्क कीजिए। अगर आप लोगों के पास बुक्स है तो ऑल दिस एक्टिविटीज, ऑल दिस दैट मीन्स यू नो दिस वर्क शुड बी डन इन योर बुक। सो एंजॉय योर हॉलीडेज, एंजॉय एंड स्टडी। ओके, बाय। I hope you will do better.